बचपन बचाने के लिए विदिशा के केला सत्यार्थी, बालकों के अधिकारों के लिए प्रियंक कानूनगो समेत जिम्मेदार विभाग और स्वयंसेवी संगठनों की भीषण गर्मी में कठोर परिश्रम कर हकीकत उजागर करते ये नाबालिग बच्चे। वैसे तो विदिशा नगर देश की नक्शे पर अपना खास योगदान रखता है। विदिशा की समाज सेवा और बच्चों के प्रति देखभाल का जिम्मा देश ही नहीं विश्व के पटल पर ख्याति अर्जित कर चुका है, लेकिन विदिशा अपने मूल अस्तित्व में ही है। विदिशा में विकास की गति में धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों की भावना और यहाँ पर बच्चों महिलाओं के शोषण में तनिक भी कमी नहीं आई है। नोबेल पुरस्कार विजेता केला सत्यार्थी का शहर है। बाल संरक्षण आयोग के सदस्य प्रियंक कानूनगो भी अच्छे पद पर हैं। केला सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार बचपन बचाने के क्षेत्र में ही प्रदान किया गया है, लेकिन बचपन आज भी बच नहीं रहा है। सैकड़ों बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, अनेक बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। नौ तपों का आज दूसरा दिन है और ऐसी भीषण गर्मी में 12 से 14 साल के बच्चों से कठोर परिश्रम कराया जा रहा है, जिसे देखकर विदिशा में बच्चों के नाम से ख्याति अर्जित करने वालों की आंखों में पानी नहीं दिखाई देता। यह देखिए, इतनी भीषण गर्मी में यह बालक पाइपलाइन की खुदाई करने जुटे हैं। पाइपलाइन का काम चल रहा है, जहां पर बच्चों से खुदाई कराई जा रही है। जब करोड़ों की लागत से ठेकेदार ने यह काम लिया है, तो बच्चों से काम कराकर कम मजदूरी देने का यह लालच छोड़ देना चाहिए। जिम्मेदार विभाग भी बच्चों के नाम पर मोटा वेतन हड़प कर एयर कंडीशन कार्यालय में आराम फरमा रहे हैं। बच्चों के नाम पर स्वयंसेवी संगठन उनकी देखभाल के लिए लाखों का अनुदान हड़प रहे हैं, लेकिन बच्चे आज भी कठोर परिश्रम करने मजबूर हैं। इन बच्चों तक शिक्षा नहीं पहुंच पाई। आखिर कब तक बच्चों और महिलाओं का शोषण किया जाता रहेगा? इनके नाम पर देश दुनिया में भले ही उच्च पदों पर पहुंच जाओ, ख्याति अर्जित कर लो, लाखों रुपए एनजीओ हड़प लें, मोटा वेतन पाने वाले अधिकारी ऐशो आराम कर लें, लेकिन ईश्वर की मार में आवाज नहीं होती, इस बात का भी ध्यान